बायोलॉजी कंप्यूटर्स टुडे टॉपिक है असेंबल कैसे करेंगे। देखिए मेरे सामने सीपीयू रखा हुआ है, मदरबोर्ड रखा हुआ है, प्रोसेसर रैम ऑल स्टॉक रेडी है, बट इसको असेंबल कैसे करेंगे ये आपको बताऊंगी आज वीडियो में। जैसे कि आप जानते हो कि आप सबके घर में सीपीयू रहता है, बट अगर छोटी छोटी कंप्लेंट आ गई है तो हम घर पे भी उसको जैसे रेडी कर सकते हैं कंप्यूटर शॉप को बिना जाके, उसकी वजह से ये वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर वीडियो अच्छी भी ना लगे तो क्यों अच्छी नहीं लगी उसको मतलब आप कमेंट बॉक्स में आप जब बोलेंगे तो हम उसको इम्प्रूव करेंगे। तो आज चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ फुल वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिए, हेल्पफुल की वीडियो है। अगर घर पर आपके पास सीपीयू है आप उसको कुछ ना कुछ आपको करके आप रेडी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको प्रोडक्ट में बता दूँ, देखिए ये कैबिनेट है, ये मदरबोर्ड है, इसे प्रोसेसर कहते हैं, एंड ये एसएसडी है, ये रैम है, ये फैन है। चलिए देखिए हमारे कृष्णा भैया स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो बनाने के लिए। देखिए अभी कैबिनेट ओपन हो रहा है, अभी कैबिनेट ओपन करने के बाद में देखिए ये है ब्रेजिल, इसका लगाना पड़ता है। देखिए आप अच्छे से चलिए ये फिक्स हो गया। अभी नेक्स्ट काम आपका रहेगा मदरबोर्ड फिक्स करने का है। देखिए मदरबोर्ड है, सॉरी एसएमपीएस फिक्स कर रहे हैं। एसएमपीएस किस काम में आता है वो बता ही हूँ मैं आपको, पावर सेक्शन के काम में आता है। अगर एसएमपीएस ख़राब हो तो सीपीयू आपका ऑन नहीं होगा। कभी कभार एसएमपीएस के कंप्लेंट की वजह से हम सोचते हैं मदरबोर्ड कंप्लेंट है, तो प्लीज़ पहली फुर्सत में अगर आपको कभी कंप्लेंट आया है मदरबोर्ड सीपीयू ऑन नहीं हो रहा है तो एसएमपीएस चेंज करके देखिएगा। तो मोस्टली एसएमपीएस कंप्लेंट की वजह से पावर ऑन नहीं होता है और एसएमपीएस कंप्लेंट चलिए हो गया एसएमपीएस फिक्स। अभी देखिए ये मदरबोर्ड है, देखिए कृष्णा भैया पहले मदरबोर्ड पर प्रोसेसर फिक्स कर रहे हैं, प्रोसेसर फिक्स हो गया। प्रोसेसर का काम पता है आपको डिस्प्ले के लिए ही होता है, और इसका मैं आपको बता ही हूँ मदरबोर्ड के हिसाब से ही प्रोसेसर रहता है। और देखिए ये कूलिंग पैच लगाया जा रहा है क्योंकि हीट नहीं होना है ज़्यादा, अगर कूलिंग पैच नहीं लगाओगे तो आपका सिस्टम बार बार ऑफ हो जाएगा। देन उसके ऊपर फ़ैन लग जा रहा है, देखिए फ़ैन लगेगा, अभी इंटेल कोर का है फ़ैन। देखिए फ़ैन का कनेक्शन दिया जा रहा है, अभी फ़ैन का कनेक्शन आपको बता रहे हैं। चलिए देखिए फ़ैन का कनेक्शन, देखिए वायर है यहाँ पे 4 पोर्ट का, देखिए चलिए फ़ैन का कनेक्शन दिया गया है। अभी उसके बाद रैम दिया जा रहा है, देखिए रैम उसको लगाया गया है। देखिए रैम का भी डिस्प्ले के लिए होता है और परफॉर्मेंस के लिए भी होता है। अभी मदरबोर्ड को सीपीयू में कनेक्ट करना जा रहा है, लेकिन उसके पहले देखिए मदरबोर्ड सेफ्टी के लिए, मदरबोर्ड शॉर्ट ना हो जाए उसके सेफ्टी के लिए ये लगाया जा रहा है, अच्छा होता है। चलिए अभी मदरबोर्ड उसको फिट हो जाएगा, फिक्स कर रहे हैं मदरबोर्ड। देखिए जहाँ जहाँ उसको स्क्रू के लिए ऑप्शन दिया गया है वहाँ पे स्क्रू लगा रहे हैं। देखिए जहाँ पे गोल्डन प्लेट दिख रही है आपको 4 स्क्रूस लगा रहे हैं। देखिए एसएमपीएस से मदरबोर्ड को भी तो पावर देना चाहिए, अदरवाइज एसएमपीएस का काम कैसे होगा। देखिए पावर देने के लिए ये एक काम में आएगा, दूसरा ये वाला पोर्ट काम में आएगा। अभी यहाँ पे आके आपको एसएमपीएस का पावर दे रहा है, देखिए मदरबोर्ड को एसएमपीएस से पावर दे रहे हैं, और अनदर पोर्ट कहाँ पर दे रहे हैं देख लीजिए, आप देख लीजिए यहाँ पे दे रहे हैं सीमोस बैटरी के बाजू में। तो चलिए पावर का काम हो गया। अभी फ़िलहाल देखिए ये एसएसडी है, आपको पता है स्टोरेज या बूटिंग ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के लिए कंपलसरी है। तो अभी एसएसडी इसको
एसएसडी को भी पावर दिया जा रहा है एसएमपीएस से, देन काम करेगा, तो फिर इसको पावर नहीं आएगा तो काम कैसे करेगा देखिए। और अभी एसएसडी से मदरबोर्ड को कनेक्टर किया जा रहा है, कनेक्शन दे रहे हैं, देखिए एक बार। ये देखिए साटा केबल से एक एसएसडी को कनेक्शन दिया जा रहा है, दूसरी तरफ मदरबोर्ड को कनेक्शन दिया जा रहा है, देखिए हो गया। एक आके आपके क्लियरली देखिए, एक आके एसएमपीएस से पावर दिया गया, दूसरा साटा केबल से एसएसडी से मदरबोर्ड को कनेक्ट किया गया। अभी ये फिट होगा कैबिनेट में, अदरवाइज थोड़े कैबिनेट में यहाँ पे स्लॉट आती है, बट थोड़ी कैबिनेट्स में स्लॉट जब नहीं आती है तो यहाँ पे स्क्रू से फिट किया जाता है, तो अभी फिटिंग हो रहा है वो। आप कहीं भी यहाँ पे आप फिट कर ले सकते हैं, जहाँ पे आपको स्पेस होगा आप कनेक्ट कर ले सकते हैं, वहाँ पे देख लीजिए जो सेफ जगह हो वहाँ पे रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी नेक्स्ट आ गया है आपको दूसरा केबल, इसका केबल के ऊपर लिखा हुआ है ऑडियो, अनदर वन के ऊपर लिखा हुआ है यूएसबी। अगर ये यूएसबी काम करना है ऑडियो पोर्ट, जो ये जैक्स देखिए आप यहाँ पे, अगर आपका जो भी हेडफोन वगैरह लगा के यूज़ करते हो तो अगर वो काम करना है तो उसको भी कनेक्शन आपको मदरबोर्ड में देना है, देखिए वो भी दे रहे हैं। एक बार चेक कर लीजिएगा, देखिए कहाँ कहाँ पे दिया गया है। चलिए पूरी तरह से हमारा सिस्टम असेंबल्ड हो गया है, सीपीयू पूरी तरह से, इसका अभी जो बैक कवर है ये लगाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए हमारे कृष्णा भैया तारों को पूरों को जोड़ के बांध रहे हैं, क्योंकि अंदर कोई शॉर्ट वगैरह ना हो जाए। चलिए चलिए अभी देखिए ये जो कैबिनेट है, मतलब जो सीपीयू बोलते हैं, उसके अंदर थोड़े वायर्स होते हैं, देखिए ये वाले, इसको भी अभी मदरबोर्ड में कनेक्ट किया जाएगा। इसमें से देखिए एक बार लिखा हुआ है पावर एंड रीस्टार्ट, थोड़ा सा सॉरी मेरा मोबाइल इतना अच्छा नहीं है आपको क्लैरिटी में बताने के लिए, फिर भी कोशिश कर रही हूँ मैं बताने के लिए। तो इसमें से एक पावर और रीस्टार्ट जो दिया गया है, मतलब सामने तरफ देखिए पावर का बटन है एंड एक रीस्टार्ट का बटन है, तो ये काम करना है बोले तो इसको पहले कनेक्शन देना पड़ेगा मदरबोर्ड में, देखिए दिया जा रहा है पावर और रीस्टार्ट। जैसे कि हम अगर डायरेक्टली ये बटन प्रेस करते हैं तो रीस्टार्ट होता है, ये बटन प्रेस करते हैं तो ऑन ऑफ का बटन है ये सीपीयू का। अनदर वन दो केबल्स है, ये काम करेगा एलईडी लाइट्स, जैसे कि यहाँ पे जो एलईडी लाइट्स है ये इसके लिए ये काम करेगा। चलिए फ्रेंड्स अभी हम सिस्टम को मॉनिटर से कनेक्ट कर रहे हैं, ये वाला मॉनिटर है टूटा फूटा मॉनिटर, इसी से हम लोग काम चला रहे हैं चेकिंग के लिए, क्योंकि न्यू मॉनिटर हमारे सर देते नहीं, हम यूज़ करते नहीं। चलिए अभी इसको पावर दे रहे हैं सीपीयू को, और सीपीयू को भी अभी देखिए मॉनिटर से हम लोग ये वीजीए केबल लगा रहे हैं, क्योंकि ये मॉनिटर इसमें HDMI VGA दो भी आता है, अगर आपके पास जो केबल हो वो केबल यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मेरे पास VGA है तो VGA लगा रही हूँ। ऑलरेडी मॉनिटर का कनेक्शन दिया गया है, अभी देखिए कीबोर्ड माउस का कनेक्शन दिया जा रहा है USB पोर्ट में, हम लोग USB लगा रहे हैं, कीबोर्ड का एक माउस का एक। चलिए ऑन हो रहा है, नारियल वगैरह मारेंगे नहीं, चलिए ऐसे ही ऑन कर देते हैं। स्टार्ट हो गया हमारा सिस्टम, इसमें ऑलरेडी OS डाला हुआ है, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी डाला हुआ, इसीलिए वो अपने आप बूट हो रहा है। अगर आपके पास OS नहीं डाला हुआ होगा तो डायरेक्टली बूट नहीं होगा, उसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इसमें OS का SSD डाला हुआ है, मीन्स उसमें ऑलरेडी हमारा OS करा हुआ है। चलिए यूज़ करने के लिए सिस्टम रेडी है, अभी फ़िलहाल कुछ यूज़ नहीं करना है, सिस्टम तो रेडी हो गया। अभी देखिए पूरी तरह से फिक्स है, फैन भी घूम रहा है। बाय फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं पे वीडियो ख़त्म होती है, अगर कोई डाउट्स है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।